हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है सूरज और आप देख रहे हैं SY ट्यूटोरियल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी कंप्यूटर या लैपटॉप में ब्राउजिंग के दौरान किसी भी वेबसाइट के सभी वेब पेजेस का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वो भी वन क्लिक के साथ। बस एक क्लिक करना है आपको और उसके साथ ही आप जितने भी उस वेबसाइट में वेब पेज होंगे सबका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप उसे चाहे तो PDF या फिर इमेज फाइल की तरह सेव कर सकते हैं ऑफलाइन के लिए। तो मान लीजिए आप अगर स्टूडेंट हैं और आपको कोई आर्टिकल सेव करना है या किसी नोट्स को सेव करना है तो आप वन क्लिक के साथ जितने भी उस वेबसाइट में वेब पेजेस होंगे उनको सेव कर सकते हैं, चाहे आप तो PDF की तरह या फिर उसे इमेज की तरह। तो आप ये वीडियो देखते रहिए और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरा चैनल SY ट्यूटोरियल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे जो रेड कलर की सब्सक्राइब बटन दी गई है उस पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको क्रोम ब्राउजर में स्क्रीनशॉट लेके दिखाऊंगा वन क्लिक के साथ। तो सबसे पहले मैं क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ। क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको एक एक्सटेंशन ऐड करना होगा क्रोम ब्राउजर में, और एक्सटेंशन ऐड करने के लिए यहाँ पे आपको कॉर्नर में ऐप्स का आइकन दिख रहा है उस पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको वेब स्टोर में जाना है यहाँ पे क्रोम के, ठीक है। और उसके बाद जैसे ये ओपन होता है आपको एक एक्सटेंशन ऐड करनी है, तो यहाँ पे आपको सर्च करना है फायरशॉट FIRESHOT और सर्च कर दीजिए इसको। उसके बाद यहाँ पे टेक अ वेब पेज स्क्रीन शॉट्स इंटायरली फायरशॉट, उसको हम ऐड टू क्रोम पे क्लिक करते हैं, ऐड एक्सटेंशन, ठीक है। और यहाँ पे चेकिंग कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे नीचे ये एक्सटेंशन जो है वो अभी इंस्टॉल होने लगा, ऐड हो जाएगा आपके क्रोम ब्राउज़र में। और उसके बाद आप वन क्लिक के साथ किसी भी वेबसाइट के इंटायर वेब पेज का स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, वो भी वन क्लिक के साथ। तो ये काफ़ी बढ़िया और साथ में अच्छी बात यह है कि आप उसे सेव भी कर सकते हैं, चाहे तो आप एक इमेज फाइल के तौर पे या फिर आप PDF फाइल के तौर पे भी उस वेब पेज को सेव कर सकते हैं। तो अभी ये इंस्टॉल हो रहा है और ये लगभग 3 MB का होगा आई थिंक। और तो यहाँ पे ये ऐड हो गया और यहाँ पे ये आपको दिखा रहा है ये पेज, और कुछ इससे रिलेटेड यहाँ पे टिप्स एंड ट्रिक्स भी दी गई हैं कैसे आपको करना है। और आपको मैं एक वेबसाइट ओपन करके दिखाता हूँ, और उसके बाद चलिए मैं ये जियो का पोस्ट पेड प्रीपेड प्लान्स का एक एग्जांपल के तौर पे मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए ये एक बहुत बड़ी तो नहीं लेकिन इसमें 2-3 वेब पेजेस हैं यहाँ पे, अगर एक बार में आप नहीं देख सकते, यानी कि ये अगर मैं एक बार ऊपर का हिस्सा है और इसके बाद नीचे भी और भी यहाँ पे पेजेस हैं, तो इनका हम एक बार में वन क्लिक के साथ ही सभी वेब पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक्सटेंशन ऐड करने के बाद यहाँ पे ये आ गया है एस करके, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे अलग अलग आपको ऑप्शन दिख जाते हैं। अगर आपको पूरे वेब पेज का लेना है तो यहाँ पे कैप्चर इंटायर वेब पेज कर सकते हैं, और यहाँ पे इसके शॉर्टकट भी दिए हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और जैसे आप क्लिक करेंगे ये अलग अलग पार्ट को इसका स्क्रीनशॉट ले लेगा, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है कि आप कैसे सेव करना चाहते हैं, सेव एज अ इमेज, सेव एज अ PDF, और यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं। तो मैं सेव एज अ PDF पे क्लिक करता हूँ, अलाउ कर देते हैं हम लोग, और यहाँ पे आप चाहें तो अपने कंप्यूटर में कहीं पे भी सेव कर सकते हैं। मैं डेस्कटॉप पे ही सेव कर देता हूँ और ये यहाँ पे सेव हो गया, ओपन करते हैं हम लोग। तो देखिए ये पूरा वेब पेज था और ये वन क्लिक के साथ मैंने इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लिया है। यहाँ पे कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेने के बाद जब ये स्क्रीनशॉट कंप्लीट होता है उसके बाद यहाँ पे कस्टमाइज़ भी आप कर सकते हैं, चाहे तो इमेज फाइल या फिर, यहाँ पे कस्टमाइज़ करने का मतलब है कि आप इमेज फाइल को किस तरह से सेव करना चाहते हैं, PNG फॉर्म में, JPG फॉर्म में, और सारी चीज़ें हैं। आप हॉट कीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि शॉर्ट की का, और यहाँ पे आप कोई भी की एक चूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे Ctrl+Alt+Shift+Z है जिससे वो इंटायर वेब पेज का कैप्चर करेगा, या फिर जो भी पार्ट दिख रहे हैं उस पार्ट का भी आप ले सकते हैं। बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन है, तो उनका आप शॉर्टकट भी चूज कर सकते हैं अपने हिसाब से जो आपको आसान लगे।
और भी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो ये एक काफ़ी बढ़िया है अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर आप कुछ भी हैं, अगर आपको किसी भी वेबसाइट के इंटायर वेब पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और आपको वन क्लिक के साथ आप ले सकते हैं इस एक्सटेंशन की मदद से। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अगर आपको कोई सवाल या सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। साथ में अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय एंड टेक केयर।